हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं आउट पास को लेकर के। बहुत सारे भाई लोग का सवाल रहता है कि मैंने आउट पास के दौरान मैं ओमान से अपने होम कंट्री आ गया था, क्या मैं दोबारा से ओमान आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आउट पास होता क्या है। आउट पास ये होता है कि अगर आप ओमान के अंदर में काम कर रहे हैं, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या कोई और एक्स्ट्रा आपके ऊपर फाइन है, तो अगर गवर्नमेंट आउट पास करती है, जो कि जनरली 5 ईयर्स में करती है, जो कि लास्ट जो है 2020-21 के बीच में हुआ था, जो ओमान के अंदर में है उनको पता होगा, ये 3 ईयर्स के बाद भी करती है, लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कब करना चाहती है। ये ऐसा कोई इसका डेट जो है फिक्स नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट आउट पास करती है तो आपके जितना फाइन है आपके ऊपर वो सारे वो माफ़ कर देती है, आपको आपके होम कंट्री जाने का परमिशन दे देती है। अब रहा सवाल कि आउट पास के दौरान जब मैं अपने होम कंट्री आ गया हूँ तो क्या मैं दोबारा से ओमान आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, तो सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि अगर आपने आउट पास के दौरान आपके पास आपके जो फाइन थे अगर उस दौरान आपने पे किया है तब आप ओमान आ सकते हैं। उस टाइम पर आप अपना पेनल्टी जो है पे नहीं किया है तो आप दोबारा से ओमान नहीं आ सकते। यही है आउट पास का मतलब। देखिए लास्ट जो है 2020-21 के बीच में खोला गया था, तो बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल ओपन होगा। इसका कोई भी अपडेट नहीं है कि ये कब ओपन होगा, फिलहाल ये बंद है। ओमान से मूव करने वाले जो आउट पास हैं फिलहाल अभी बंद है। इसमें एक और सवाल ऐसे जोड़ा जाए, बहुत सारे भाई लोग का ये कमेंट रहता है, मैं 2 ईयर्स को वर्क वीजा पे ओमान के अंदर में आया हूँ और मेरा जो अरबाब है मुझे जाने नहीं दे रहा है, मेरा 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया, फिर से मेरा वीज़ा रिन्यू कर दिया है या किसी वजह से पासपोर्ट जो है वो आपको रोक लिया है और आपको परमिशन नहीं दे रहा है आपको अपने होम कंट्री जाने के लिए, तो इस हालत में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस हालत में आप ये कर सकते हैं, किसी वजह से आपका पासपोर्ट जो है, अगर आप वर्क वीज़ा पे ओमान के अंदर में आए हुए हैं, किसी वजह से पासपोर्ट जो है आपको स्टक कर लेता है, यानी कि रोक लेता है जो आपका अरबाब है और नहीं दे रहा है, तो आप सीधा सीधा जो है लेबर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आप लेबर कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराएं और उसके बाद से फिर से आपको अपने आपका जो एम्बेसी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां से भी हो उसके एम्बेसी से आप बात करके आप आउट पास हो सकते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि देखिए अगर आपका अरबाब जो है आपका वीज़ा ब्लॉक कर रखा है तो इस हालत में आपको आपका जो पासपोर्ट है वो आरओपी के पास जमा करना रहता है, लेकिन जब किसी वजह से पासपोर्ट वो जमा नहीं करता है और आपको पासपोर्ट जो है वो स्टक कर लेता है, तब आप लेबर कोर्ट का सहारा लेकर के फिर अपने एम्बेसी से बात करके आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। ये वाले आउट पास जो हैं अभी चालू हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से आउट पास जो आते हैं जो 5 ईयर्स में जनरली खुलता है, तो बहुत सारे लोग को उम्मीद था कि 2020-21 के आसपास खुला हुआ था तो इस साल ओपन होने का चांसेस है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो ओपन करना चाहती है। तो ये रहा एक छोटा सा अपडेट, आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।